हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास ओप्पो का रेनो 6 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास ओप्पो का रेनो 6 5G डिवाइस है और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होती है, हमारा डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा हीट या ओवर हीट हो जाता है, तो गाइस क्या आपका डिवाइस भी गेमिंग करते टाइम या चार्जिंग करते टाइम या कॉलिंग करते टाइम, हो सकता है कैमरा यूज करते टाइम, किसी भी कारण आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट हो रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा, भले ही आप गेमिंग करो या मोबाइल को चार्ज करते हो। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, मैं के चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर जो टिप्स और सेटिंग सेट करने वाला हूं, सेम सेटिंग आपको अपने डिवाइस में फॉलो करनी है और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड यहां पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो। चलिए गाइस, यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, अगर आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट हो जाता तो गाइस यहां पर मैं इस फोन को 100% फिक्स करने वाला हूं और आपका डिवाइस कभी भी हीट नहीं होगा, भले ही आप गेमिंग करो या हो सकता है आपका सवाल हो चार्जिंग करते टाइम हीट होता है, कॉलिंग करते टाइम हीट होता है, या किसी किसी वजह का सवाल होता है, ज़्यादातर कैमरा यूज करते टाइम भी हमारा डिवाइस हीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपका डिवाइस कैसे हीट कर रहा हो, एक दो भाई का सवाल हो सकता है या ज़्यादा का भी हो सकता है कि अपडेट आने के बाद हमारा डिवाइस और ज़्यादा हीट होने लगा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ उससे आपका जो मोबाइल में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हीट या ओवर हीट होता है किसी भी वजह से हो रहा हो, तो ये प्रॉब्लम 100% फिक्स करना हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊँगा, फिर आपको लेके चलूँगा सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई ब्लूटूथ और आपका लोकेशन ये ऑन रहता है कि ऑफ रहता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ही आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और आपके बैकग्राउंड में रन करने लगते हैं, जिससे आपका डिवाइस वार्म करने लगता है यानी कि हीट होने लगता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते नहीं हैं, जैसे कि आपका वाईफाई ब्लूटूथ और लोकेशन है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और आप इन तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और ये क्या करते हैं, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो चार्जिंग करते टाइम आपका मोबाइल इसी वजह से हीट होने लगता है, क्योंकि ये रन करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को 24 घंटे ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपका पूरा मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है, सभी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन वगैरह आने लगते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट और ओवर हीट होने लगता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं या गेम वगैरह खेलने लगते हैं या कॉलिंग वगैरह करने लगते हैं, तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जब भी आपका मोबाइल चार्ज पर लगा है इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो बिल्कुल भी रन नहीं कराना है, भले ही कॉलिंग तक भी नहीं करनी है, इससे आपका डिवाइस है वो आपके हाथों में भी फट सकता है, क्योंकि आपका डिवाइस है रन करने लगता है चार्जिंग करते टाइम, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। ये छोटी गलतियों की वजह से हमारा डिवाइस हीट और ओवर हीट होने लगता है, इसी वजह से हमारे मोबाइल वगैरह भी फट जाते हैं। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। कहीं यहाँ पर जैसे ही सेटिंग में आओगे, सबसे पहली बात आपको जाना अपडेट वाले सेक्शन में। अगर अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस हीट होने लगा है तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, अपडेट में कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने में मिलते हैं, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, बाई चांस अपडेट मिल चुका है तो अपडेट कर लेना है। अब आपको जाना बैटरी में। जैसे आप बैटरी में आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा ऐप बैटरी मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे इस पर क्लिक करोगे एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसका अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी यहाँ पर इनेबल है कि डिसेबल है। जैसे कि इनेबल जैसे आप कर दोगे, ये क्या करता है आपके बैकग्राउंड में रन करता है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस हीट और ओवर हीट होने लगता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तो ऑफ ही करके रखनी है सभी को। करने के बाद सिंपली आपको आना बैक। अब आपको जाना मोर बैटरी सेटिंग में। जैसे मोर बैटरी सेटिंग में जाओगे, अब आपको चेक करना है कि यहाँ आपका मोबाइल हाई परफॉर्मेंस मोड में तो नहीं है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस मोड में मोबाइल को यूज करोगे, सबसे पहली बात आपका जो बैटरी है वो ड्रेन होगा, दूसरी बात आपका डिवाइस हीट होगा, नेक बात पर कैमरा यूज़ करोगे, कॉलिंग वगैरह करोगे या खशू थोड़ा काम करोगे फिर भी हीट होगा, तो आपको यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑफ रखना है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है बैटरी ऑप्टिमाइज, तो अगर आपका डिवाइस गेमिंग करते टाइम हीट होता है, कॉलिंग करते टाइम, मतलब पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट होता है, तो आपको क्या करना है एक एक करके देख सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है। एंड आपको जाना है ऑलवेज आस्क पे, जो एप्लीकेशन ऑलवेज आस्क पे लगे हैं या डोंट ऑप्टिमाइज पे लगे हैं उसे आपको ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा देना है। जैसे आप ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगाओगे ये एप्लीकेशन क्या करेंगे, जैसे आप उस एप्लीकेशन में प्रवेश करोगे, जैसे कि मान लो गेम का एप्लीकेशन है, गेम में जाओगे ऑटोमेटिक वो गेम आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा आपके मोबाइल को, तो ये होता है फायदा, तो आप ऐसे कर सकते हो, फिर आपका डिवाइस गेमिंग करते टाइम बिल्कुल हीट नहीं होगा। एंड गाइस यहाँ पर इसमें एक और सेटिंग मिलेगी आपको ऑप्टिमाइज नेट चार्जिंग, ये आपके में हो सकता है डिसेबल हो तो आपको इसे भी इनेबल कर देना है। गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा ये नेट चार्जिंग के काम में नहीं आता, इसका मतलब है जैसे आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है तो ये क्या करता है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज पर लगाओगे ऑटोमेटिकली ये आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज पर लगा के चार्ज करेगा, इससे हीट नहीं होने देगा ज़्यादा, तो आप इसे यूज करके मोबाइल को चार्ज लगा सकते हो, इससे आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट या ओवर हीट नहीं होगा, तो ये होते हैं इसके फायदे। सिंपली आपको जाना है बैक। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो सेटिंग थी टोटली सेटिंग बता दी है, उसे आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहली बात
जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ें आपने यूज की फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब गेम वगैरह यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। क्योंकि वैसे यहाँ पर ये सभी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं जो खुले रह जाते हैं, आप यूज करके छोड़ देते हो, मोबाइल को लॉक करके चार्ज पर लगा देते हो डायरेक्टली, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। रीसेंट को बिल्कुल क्लीन करना जिससे कोई भी चीज़ रन ना करें, फिर आपका डिवाइस फास्ट भी चार्ज होगा। दूसरी बात, चार्जिंग का टाइम हीट नहीं होगा या नॉर्मली टाइम भी हीट नहीं होगा, आप करते हो जितने लोड कर लेते हो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में सभी एप्लीकेशन को यूज करके, अब वो रन करते हैं रनिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण आपका मोबाइल बिना बात के हीट होने लगता है, लॉक होता है आपका डिवाइस फिर भी हीट होने लगता है, तो इसी वजह से होता है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, आपकी डिवाइस में जितना लोड होगा ऑटोमेटिक हीट होगा। सबसे पहली बात, फालतू के फ़ोटो वीडियो एप्लीकेशन इन तीनों चीज़ों को भी डिलीट कर देना, जो फालतू के हैं जो आपके काम के उन्हें आपको डिलीट नहीं करना, जो फालतू की चीज़ें उन्हें आपको डिलीट करना है। फिर आपको जाना है गैलरी वाले ऑप्शन में, जैसे गैलरी ऑप्शन में जाओगे या मतलब फोटो में जाओगे एल्बम मिलेगा आपको, जो भी चीज़ आपने डिलीट की होंगी यहाँ पर आ जाएगी रिसेंटली, देख सकते हो रिसेंटली डिलीट जो चीज़ आपने डिलीट की यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ से भी आपको डिलीट कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरेज खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, स्टोरेज कम हो जाएगी एंड स्टोरेज आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट मोड में आ जाएगी और आपका डिवाइस ऑटोमेटिक हीट होता है या नॉर्मली टाइम हीट होता है वो भी नहीं होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना चाहिए, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना है।